गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनु। आज है वीकेंड, सैटरडे है। मैं कल थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करी थी तो उसको मैं यहां पे इंक्लूड करती हूं। आप लोग पहले वो देख लीजिए थोड़ा सा। जस्ट गाइस आज है फ्राइडे और आज मैं बोना को सिखा रही हूं कि कैसे किया जाता है व्लॉगिंग। तो बोना करो तुम व्लॉगिंग, देखते हैं कि आज तुम्हारा व्लॉगिंग कैसा होता है। मुझे कुछ पता ही नहीं, ट्राई करो। की को एनीथिंग व्हाट यू वांट टू शो। अरे समथिंग से नहीं हो पाएगा, होगा होगा। देखो ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो कि हम इंसान से होता नहीं है, तो जस्ट ट्राई, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। सही नहीं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं कैमरा में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ एज कम्पेयर टू किसी के साथ लोगों से मिलने में, क्योंकि मैं किसी के साथ मैं मिल नहीं सकती। मैं बहुत ही ऑकवर्ड एक फोन में बातें करती हूँ और उसके साथ मैं बहुत ही ऑकवर्डली मैं किसी से अगर मिलती हूँ मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है क्या? मैं किसी के साथ जब मिलती हूँ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कोई अगर मुझे फोन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी 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 फोन रखो, फोन रखो। जो इंसान है उनको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, बट एक्चुअली मैं रूड नहीं हूँ। मेरा वो आदत ही, मतलब मुझे आप लोग मैसेज करो, मैं मैसेज कर दूंगी। वरना को आजकल बहुत ही किसी अच्छे खासे ब्रिटिश ने काटा है। वो अच्छा खासा हर बात पे इंग्लिश बोलती है, हर बात पे, इवन जिस बात पे नहीं बोलना चाहिए उस बात पे भी बोलती है। मेरे नानी ने अभी अपने देवर के बेटे से को देखा है। देवर के बेटे से बात किया है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? मंदिर है कैसे मंदिर है? अरे एक बार फोन करो और बोल से रखो। उन्होंने कैसे ने किया उस सिस्टर जो अभी बहुत सिस्टर तुम्हारा की है छो व्हाट हैपन टू यू सैड व्हाई नाउ यू आर इन सैड मोड मैं सब कुछ व्लॉग में देने वाली हूँ। बोना को बहुत सारे लोग पसंद करते मेरे व्लॉग में, तो फेवरेट स्माइली एलिजिबल बैचलर ऑफ फॉर डेटिंग नॉट फॉर मैरिज। फेवरेट स्माइली नाउ फेवरेट स्माइली हमारा मतलब बाना लगबे फेस ती बाना भी ओ जिनिसटा ओहि ना तो अमर तासना चोखो पर करस्ते एर हो ना व्हाट आर ओइडा ভালো ओइडा ভালো দেওয়ালে যে মাটা থাকে না ওটা তো ইশে স্কাইপে स्काइप ना टीम्स है, टीम्स ऑफिस का टीम्स स्काइप स्माइली के बारे में बोल रही हूँ। बोना ना रियल में जैसी है कैमरा में एकदम अलग हो जाती है वो। क्यों? यू शुड बी रियल, जैसे तुम बात करती हो ना हम लोग से वैसी बात करना चाहिए। यहाँ पर हम तेरे में कर सकते ना तेरे में ठीक है बेकार। ये तो इतनी चलती है ना, वीडियो तो अच्छे ना 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 वीडियो अच्छे ना ये वीडियो है। तो अभी आपने जो क्लिप देखा वो कल का था। एक्चुअली मैं लास्ट एक वीक से एक भी वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक ली हुई या फिर क्या हुआ है मुझे नहीं पता। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है और ब्लॉग बना भी रही हूँ लेकिन मैं ना एडिट कर रही हूँ ना अपलोड कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, बस ऐसी है। लेकिन मैं अभी से मतलब कल से मैंने सोचा है कि नहीं मुझे वीडियो देना है, तो कल मैं एक वीडियो दे दूँगी और अब से मैं रेगुलर होने का फिर से ट्राई करूँगी। एक वीक से जस्ट ब्रेक लिया था, ऐसा नहीं कि बहुत दिन था। अंदर से वो आ नहीं रहा था एनर्जी की मुझे व्लॉग बनाना है, बट अभी ठीक है। अभी मैंने सोच लिया कि कल से तो पक्का बनाना है, ठीक है। और मेरा छोटा भाई गया है डिगलीपुर, मतलब क्या कहते हैं जहाँ पे मेरे मामा रहते हैं ना वहाँ पे उसकी एक दोस्त का रिसेप्शन है। मम्मी कल जा रही है, कल है संडे आज है सैटरडे, तो भाई आज सुबह निकल गया है। और कल का दिन भी ब्लॉग करने के लिए बहुत कुछ था लेकिन फिर भी मैंने किया नहीं क्योंकि एज आई सेड कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था। बस पता नहीं क्या हो रहा था, बट मैं ब्लॉग बना रही हूँ लेकिन मुझे एडिट करने का बहुत बोर लग रहा है। बोर भी नहीं क्योंकि वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जब मैं नेट ऑन करती हूँ अलग से नौटंकी करता हूँ और मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, तो ये माइट बी वन ऑफ द रीज़न होगा। तो आज का दिन का प्लान ऐसा कुछ तो नहीं है लेकिन हमें एबर्डीन बाज़ार जाना है
मम्मी को कुछ कुछ खरीदना है क्योंकि मम्मी इज़ गोइंग बैक टुमारो। और बस यही है, अपडेट कुछ नहीं है। मैं भी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ बिकॉज मेरी मम्मी ना मुझे ऐसे देख रही है, ऐसे ऐसे सॉरी। और बनना कभी कभार ऐसा देखती है तो मुझे ऐसा कोई अगर देखते रहता है तो मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। अगर मैं अभी उन सबको दिखाऊंगी तो वो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दिखाती हूँ उन लोगों को, भाग गई मम्मी, भाग रही है, आ गई। अच्छा, और बना नहीं देख लिया। अच्छा यस, तो आज मेरा प्लान ये है कि मुझे थोड़ा सा पार्लर भी जाना था। मेरा आईब्रो बढ़ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अंडमान आने के बाद आईब्रो और वैक्सिंग करने के बाद ये बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। आई डोंट नो ये सच है या नहीं। इस मंथ मैंने कोई भी हेयर प्रोडक्ट लिया नहीं, लास्ट मंथ में मैंने कुछ हेयर प्रोडक्ट लिया नहीं, लेकिन मेरे पास लीव इन कंडीशनर थोड़ा सा भी नहीं है। तो लीव इन कंडीशनर एक मुझे लेना है और आजबा का एक नया कंडीशनर है वो भी मुझे लेना है। तो वो मेरे इस मंथ का गोल है, मतलब मार्च महीने का। तो दो चीज़ तो मुझे इस बार लेना है, देख रही हूँ क्या करूँ। और एक ब्रांड है जिस ब्रांड को मैं ट्राई करने का सोच रही हूँ, वो है हैप्पी हर्ब्स बाय सुकृति है शायद, श्रुतिका यस। तो मुझे नित्या ने ये वाला ब्रांड सजेस्ट किया है जो कि अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ, मुझे बोल रही थी कि तुम ट्राई करके देखो अच्छा होगा। तो इस मंथ का मुझे स्किन केयर में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है, तो इस मंथ मैं रिव्यू में आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब मार्च महीने के बोल रही हूँ, मार्च महीने में मैं रिव्यू में दे दूंगी। एक तो मामा अर्थ का एक फेस वॉश है वो मैं रिव्यू दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। मामा अर्थ का कुछ भी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, सच बोलूँ तो बहुत हाई प्रोडक्ट है। और उसके साथ मैं फिक्स माइकल्स का ट्रेवल साइज पैकेट ट्राई करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेवल साइज में मुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि 1 या फिर 2 या फिर 3 वॉश में हम कंक्लूड नहीं कर सकते whether the प्रोडक्ट इज गुड और बैड है ना। तो इस मंथ का रिव्यू में हेयर प्रोडक्ट पे लव ब्यूटी प्लैनेट का एक प्रोडक्ट जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है। एक टोनर का जाएगा जो कि है फ्रॉम द ब्रांड प्लम, जो मैंने ऑलरेडी शूट करके रखा था, जस्ट वो कंडीशनर मैंने शूट नहीं किया है अभी तक। और एक जाएगा वो है कर्लअप के सारे प्रोडक्ट, तो कर्लअप का न्यू जो प्रोडक्ट है वो मैंने ऑलरेडी ट्राई करके देखा है, अच्छे हैं ठीक है। तो अभी मैंने बहुत सारे बकबक कर लिया, मैं नेक्स्ट जब मिलूंगी मैं आपको कुछ और बकबक करूंगी, ठीक है बाय। तो पूरा दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, आई एम सो सॉरी, मैं ही क्यों बनी हूँ, अभी घर पे हूँ। तो पूरा दिन मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा मैंने वीडियो नहीं बनाया, जस्ट मैं घर पे ही पड़ी हुई थी। एक मूवी मैं देख रही थी जिसका नाम है लायन, वन ऑफ द इडली बैटर नहीं अशको। तो हाँ, हमने एक मूवी देखा आज लायन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी हम लोग हर कोई मिलके जा रहे हैं बाज़ार क्योंकि मम्मी कल जा रही है, मतलब मोहनपुर, और उनके वहाँ पे एक कलीग का है फेयरवेल, तो उनके लिए गिफ्ट लेना है और जो होता है ना छुटपुट चीज़ जो ख़रीदना है उसके लिए मैं, बड़ा भाई, बोना, मम्मी, चाचा हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। घर का सामने इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना कि आपको शायद मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ये बस बात है, मैंने लिपस्टिक लगा लिया है और ये वाला टॉप्स का डाला है। आज मैंने बालों को फिक्स माइकल्स के साथ मैंने वॉश किया है जिसका रिजल्ट मुझे ओके ही लग रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक मैंने अच्छे लग रहा है बोलूँगी। मैं बाल को ओपन करके जाऊँगी एंड मैं, मतलब हम लोग हर कोई मिल के जा रहे हैं अबरडीन बाज़ार, मैं और वरना ऑटो में जा रहे हैं, बड़ा भाई और मम्मी गाड़ी में जा रहे हैं बिकॉज एक ही गाड़ी है। तो चलो वरना निकलते हैं, हम लोग पैसे ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक लुलू मार्केट है, तो हम वहाँ पे गए थे कलीग के लिए, मतलब मम्मी की कलीग के लिए वो जो फेयरवेल गिफ्ट है वो लेने, और उसके बाद मम्मी को भी कुछ उनके तरफ से देना था। तो उसके बाद हम उस शॉप में गए और मम्मी को एक जूता लेना था, चप्पल मम्मी की बहुत दिन से ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे मम्मी ने एक चप्पल ले लिया। और उसके बाद मेरी और मम्मी की छोटी सी एक आर्गूमेंट हो गई। आपका भी आपका मम्मी के साथ होता होगा ना आर्गूमेंट, तो मेरा और मेरे मम्मी के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है और आर्गूमेंट बढ़ते बढ़ते ज़्यादा ही हो गया था, तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं करी। देन हम राम सिंह की दुकान पे गए थे, राम सिंह का दुकान एक बहुत पुराना एक शॉप है अंडमान में, तो वहाँ पे हमें कुछ दवाई लेना था, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो हमने वो लिया और उसके बाद हम फूड कोर्ट आ गए। तो यहाँ पे छोटे भाई नहीं, बड़े भाई, एक्चुअली छोटा भाई तो डिगलीपुर में गया, बड़ा भाई और बोना एक्चुअली मुझे और मम्मी का मतलब सुलह करा रहे थे, तो वही आप अभी सुनोगे वीडियो में, सुन लो।
সাইড দিক মাংস খাও দার মাংস খাও तो आई डोंट नो आपको समझ आया नहीं है। वहाँ पे भी एक्चुअली मेरे बड़े भाई को MRP लेकर ही वहाँ पे आर्गुमेंट हुआ था, लेकिन वो आदमी भी मान गया था क्योंकि वो प्रॉपर बाजार नहीं हो रहा था एंड वहाँ पे जो लोग थे वो लोग भी एक्चुअली भाई का सपोर्ट कर रहे थे। तो यही वो बात वहाँ पे हो रहा था जो मैं बोलना भूल गई। तो अभी देखो नेक्स्ट दिन है और नेक्स्ट दिन सुबह मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ। मम्मी और बड़े भाई ऑलरेडी निकल गए हैं गाड़ी में। इस बार आनंद ट्रांसपोर्ट में मम्मी जा रही है उनको। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जगह में वाटर ATM लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मरीना पार्क में भी एक है, वहाँ पर मैंने और मिताली ने एक बार ट्राई किया था, वो ख़राब था, लेकिन ये वाला मुझे नहीं पता ख़राब है या अच्छा है। तो मम्मी को छोड़ना एक वन ऑफ द टफ पार्ट है मेरे लाइफ का, तो रियलिटी है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। या मम्मी बोल दी अच्छे से रहना है ये सब बातें। तो मेरी मम्मी बस में चढ़ गई है एंड शाम तक पहुंच जाएगी मोहनपुर। अब तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते, दिस इज़ लाइफ। इससे ना इतना ज़्यादा घटिया स्मेल आ रहा है। क्या हुआ था, मेरे भाई इसके अंदर ही दूध लाया था, मतलब ऐसे ही कैरी करके दूध लाते हैं ना। यहाँ पे एक रेसिपी, देखो भाई यहाँ पे एक गेस्ट हाउस बने हुए, तो दूध का पैकेट इसके अंदर ही पड़ गया था। तो अभी हम लोग भूतिया वाला रास्ते से है आए, मतलब इसमें कोई भूत नहीं है लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि भूतिया है, थोड़ा सा स्पूकी है इसलिए। तो मैरान हिल का जो रोड है ना भाई, यही फूलगुलो देखिए, यही फूलगुलो ना अनेक भलो स्मेल है। ये देखिए ये वाला जो फूल है ये अंडमान का काफ़ी कॉमन फूल है और ये बहुत अच्छा स्मेल देता है, बहुत अच्छा। तो अभी हम मैरन हिल का रास्ते से 9 नंबर का एक क्या बोलते हैं इसको, सी शोर वाले रास्ते से जा रहे घर। दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है सुबह सुबह 7 बजे वाला, 7 बजे भी नहीं अभी तक, 7 बजे में 10-15 मिनट बाकी है, उसका नज़ारा अच्छा लगता है काफ़ी। मैंने ये रोड ऑलरेडी आपको दिखाया है तो दिखाती हूँ मैं। बाजार सुबह का एक भी दुकान नहीं खुला है, आज संडे है ऑलरेडी, आज खुलेगा नहीं, अदरवाइज अब तक खुल जाता कुछ छोटे मोटे दुकान। अभी देखो कट्टा बोमन खुला हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्टी डोसा मिलता है। देन मुझे लगता है आनंद नहीं खुला है, हम इस रेस्टोरेंट में पहले बहुत खाते थे, अब उतना अच्छा नहीं रहा। नहीं अभी खुल गया देखिए आनंदा रेस्टोरेंट, ये है यहाँ का एक मंदिर, ये भी एक प्योर वेज शेक शॉप है अन्नपूर्णा कैफेटेरिया। हमारा नहाना धोना हो गया था, मैं तो व्लॉग एंड भी सोच रही थी कि कर दूंगी, लेकिन अभी हमारे घर की दीदी आकर बोल रही है यहाँ पे और सस्ता सब्जी बैठा है, बैगन 20 रुपीस किलो। मैं और बोलना निकल रहे हैं अभी सब्जी खरीदने, हम ऐसे ही चले आए एक्चुअली, जस्ट कपड़ा चेंज किया और कुछ नहीं और मास्क डाल दिया। एक तरफ में अच्छा है मास्क पहनने से, कोई पहचानेगा नहीं ना, है ना। एकदम बढ़िया। ये पुराना वाला घर का रोड है एक्चुअली, ये इस रोड में पहले हम लोग यूज़ करते थे। तो अभी मैं देखती हूँ, मैंने इसीलिए कैमरा ऑन किया है क्योंकि अभी अच्छा खासा कुछ देखने के लिए मिलेगा।
लेट मार्केट है, मतलब हम बोलते हैं कि शेष बाज़ार, तो लास्ट मार्केट पे एक्चुअली सब्जी का प्राइस थोड़ा कम ही हो जाता है। तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं, अदरवाइज़ ये सारे जगह पे आपको बहुत भीड़ दिखेगा। ये देखिए, ये है जंगली घाट पूजा पंडाल जो कि रिनोवेट हो रहा है, इसका वॉल रिनोवेट हो रहा है। ये आज हमारा खाने का टेबल लग चुका है। नानी जी आज तुम बीमार है। नानी जी बताइए आज खाने में क्या क्या है, जाने ना हमें बताइए। फिर भी ये क्या है, ये है मूंग दाल विद टमाटर, मेरी नानी नहीं बोल रही है, उसमें जीरे का तड़का है और सूखी मिर्च का। ये है लाउ चिंगड़ी जो कि एक बंगाली डेलिकेसी है, मैंने बनाया है। ये है गोश आलू तरकारी, इसमें चिकन का पीस बहुत कम है, आलू इक्वल मात्रा में है। ये है कौशा मांस और ऑब्वियसली राइस, प्याज और नींबू तो चाहिए मुझे। तो ये हमारा खाने का टेबल है। नानी के लिए, नानी नहीं खाती चिकन एक्चुअली, तो उनके लिए ये दो। और हाँ, मेरी नानी ना चावल के साथ दूध खाती है, दूध भात हम कहते हैं, मेरी नानी वो भी लेगी। तो अभी चलो मैं एक बहुत अच्छी सी पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। ओके हाय गाइस, सो आज मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई नो कि ये व्लॉग बहुत ही छोटा था, लेकिन आई मैनेज समहाउ। तो इतना दिन से मुझे ऐसा ही हो रहा है कि व्लॉग अपलोड करने का, मतलब थोड़ा सा मैं ब्रेक नहीं बोलूँगी, मुझे मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मैं एडिटिंग लैपटॉप के सामने हूँ, मुझे अभी एडिट करना है, एंड देन आज ही मैं एक अपलोड या कल एक अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आज का इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपने खुश रहिए, घर पे रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मैं लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।